हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रीशू। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कॉन्फ़िगर सर्वर ऑन द टॉमकैट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि टॉमकैट सर्वर जो है वो इक्लिप्स पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वर ऐड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इक्लिप्स की पर्सपेक्टिव है वो J2EE हो, क्योंकि अगर J2EE नहीं है तो यहाँ सर्वर का ऑप्शन नहीं आएगा। पर्सपेक्टिव कैसे एडिट करते हैं, यहाँ पर अगर आप विंडोज में जाके पर्सपेक्टिव पे क्लिक करके ऊपर पर्सपेक्टिव में जाएंगे, मान लो यहाँ मैंने जावा चूज किया, तो यहाँ पर देखिए अगर आपका बाय डिफॉल्ट आपने कोर जावा में प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आपका ये पर्सपेक्टिव ओपन होगा। इसे J2EE में चेंज करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर अदर्स में जाके J2EE को ओपन को चूज कर लेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ पर हमारा सर्वर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें सर्वर टॉमकैट सर्वर हमारे इक्लिप्स में ऐड करना है। तो हम विंडोज पे अगेन जाएंगे, यहाँ पर प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आप सर्वर ऑप्शन पे रन टाइम एनवायरमेंट को चूज करेंगे। यहाँ ये देखिए सर्वर ऑप्शन पे जाकर रन टाइम एनवायरमेंट को चूज करेंगे। यहाँ मैंने मेरा टॉमकैट 9 पहले से ऐड है। अगर आपको ऐड करना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, रन टाइम एनवायरमेंट को चूज करेंगे, तो यहाँ अपाचे, क्योंकि मैं यहाँ टॉमकैट ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ कोई और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड हैट JBoss और SAP सर्वर ओपन शिफ्ट, कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ अपाचे चूज कर रही हूँ, तो अपाचे 9 मैंने चूज किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर ये ना अपाचे 9 अगर चूज करें तो आपको अपाचे 9 की ही टॉमकैट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक गूगल क्रोम जैसे खोलते हैं, यहाँ गूगल क्रोम गूगल का पेज खोला, यहाँ पर आपने डाला टॉमकैट डाउनलोड, और जैसे ही आप टॉमकैट डाउनलोड डालेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये वर्जन 9.0.37 वर्जन है, कंप्लीट वर्जन है। इसमें से किसी भी एक चीज को, यानी कि मैंने यहाँ जिप को डाउनलोड किया, तो आप जिप पे क्लिक करेंगे और जिप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने लैपटॉप पे उसे या डेस्कटॉप पे से सेव कर लेंगे और फिर उसी प्लेस पर जाकर यहाँ ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और जहाँ आपने टॉमकैट को सेव किया है, जैसे मेरा टॉमकैट यहाँ सेव हुआ है, तो उस डायरेक्टरी को चूज करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, आपकी यहाँ पर टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चूज हो जाएगी, उसके बाद आप फिनिश कर देंगे। तो यहाँ देखिए मेरा दूसरा ऐड हो गया, मैं ऐसे रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मेरा पहले से एक ऐड है। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो वो तो आपने कर दिया इक्लिप्स में ऐड। अब इक्लिप्स में यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से जाकर टॉमकैट 9 चूज करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है अपने प्रोजेक्ट को टॉमकैट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो मेरा ही बना बनाया प्रोजेक्ट है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगी, तो ये मेरा टॉमकैट जो है ये ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए टॉमकैट लोकल होस्ट से ऐड हो गया। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये यहाँ पर रन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मेरा टॉमकैट, तो यहाँ पर मेरा टॉमकैट स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, वेब पेज पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 8080 ठीक है ये करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये चेक द इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है, मैं पहले देखती हूँ कि मेरा लोकल होस्ट, मेरा पोर्ट नंबर कौन सा कॉन्फ़िगर है। ओके, मेरा पोर्ट नंबर 82 कॉन्फ़िगर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 82 मैंने पहले कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसको मैं 8080 कर देती हूँ। तो अब मैं जो है लोकल होस्ट 8080 पे अपना वेब पेज देख पाऊंगी। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने अब इसे रिफ्रेश किया, मुझे 8080 पे मैंने सेव करने के बाद मुझे इसे रीस्टार्ट भी करना होगा, तो मैंने इसे रीस्टार्ट कर दिया।
तो यहाँ ये रीस्टार्टेड हो गया है। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो देखिए मेरा टॉमकेट सर्वर रन हो गया है। यहाँ पर देखिए ये मुझे नॉट फाउंड अ पेज दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लैश में अपने प्रोजेक्ट का पाथ नहीं दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर स्लैश ई लाइब्रेरी, तो देखिए ये मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने टॉमकैट में ऐड किया था वो यहाँ पर दिख गया। तो इस तरीके से मैंने टॉमकैट में मैंने ई लाइब्रेरी जो प्रोजेक्ट ऐड किया था वो मैंने यहाँ पर रन कर दिया। अगर अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐड नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पहले स्टॉप करती हूँ, और जैसे ये स्टॉप हो गया, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर एड एंड रिमूव, तो मैं इस प्रोजेक्ट को रिमूव भी कर सकती हूँ और फिनिश कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा जब मैं टॉमकेट को रन करूंगी, तो ये मैंने रन कर दिया, तो अब मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। देखना ये एरर दे रहा है, नॉट फाउंड, हमें ये नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट रिमूव कर दिया। तो अब मुझे ये बोल रहा है अपाचे टॉमकेट तो ये इंस्टॉल हो गया, लेकिन ये इसे ई लाइब्रेरी और ये नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बता दिया कि पोर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन पर्सपेक्टिव ओपन होकर आता है। ये जो टॉमकैट का सर्वर का जो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन ओपन होके आता है, यहाँ पर एचटीटीपी पोर्ट को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 4 भी कर सकती हूँ, 4 कर दिया और इसे सेव कर दिया, और इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पर ये मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही मैंने इसे रीस्टार्ट किया आप यहाँ देखेंगे, तो मैं इसे हटा देती हूँ और इसके बाद यहाँ पर 4 लिख दूंगी, तो मेरा 4 पर भी ये आ गया, ठीक है। और अब 8080 पे या 82 पे जो हम पहले रन कर रहे थे, इस पे हमें एरर देगा, प्रॉक्सी कुछ नहीं है, पेज नहीं है। और अगर हम 8084 करेंगे तो हमें टॉमकेट सर्वर दिख जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप टॉमकेट को कैसे अपने इक्लिप्स में कन्फ्यूगर कर सकते हैं। और आज का वीडियो बस इतना ही, आप आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सर्वलेट जेएसपी का यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं आपको बना के बताऊंगी, और कैसे उसे हम टॉमकेट सर्वर पर रन करेंगे ये भी बताऊंगी। तो टॉमकैट सर्वर की जरूरत पड़ती है उस प्रोजेक्ट को बताने के लिए, उस स्टेप को बताने के लिए, इसलिए मैंने पहले टॉमकैट सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये वीडियो अपलोड किया है। इसके बाद मैं सर्वलेट पे आऊंगी, तो स्टे ट्यून और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।